रतिया में बिजली विभाग का 7,000 उपभोक्ताओं की तरफ से बिजली विभाग का 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है, जिसे लेकर भी बिजली विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। बिजली विभाग ने एक ऐसी टीम गठित की है जो बिजली का बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के मीटर उतारने शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया, 7,000 उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ का बकाया, अब एक्शन मोड में बिजली विभाग, बकायेदारों की होगी बत्ती गुल, बिजली के पुराने बिल भरो नहीं तो जेल। रतिया में बिजली विभाग का 7,000 बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। बिजली का बिल ना भरने वाले उपभोक्ताओं के घरों की अब बत्ती गुल हो सकती है, क्योंकि बकाया बिलों को लेकर बिजली विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बिजली विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने अनेकों टीमों का गठन किया है जो बकाया बिल ना भरने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काट कर मीटर उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के मीटर उतारे थे वो बिजली चोरी करने में जुट गए, जिसको लेकर विभाग ने उन पर भी जुर्माना ठोका है। विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने बताया कि विभाग का 10 करोड़ से भी ज्यादा का लोगों पर बिजली विभाग का बकाया है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के आदेशों पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने बिल नहीं भर रखे हैं उसके हिसाब से हमने कार्रवाई कर ली। हमारे दोनों सब डिविजनों में लगभग 9-10 करोड़ के आसपास अमाउंट रह गई है, जिसमें कुछ ग्रामीण इलाका भी रह गया और शहर का इलाका भी है। और टीमें गठित अभी हमने मीडिया के थ्रू कई बार ये लोगों को बिल भरने के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद वो बिल नहीं भरे जा रहे थे, तो अब हमने उनके कनेक्शन काटने शुरू कर दिए, मीटर उतारने शुरू कर दिए। आनंद प्रकाश ने कहा कि एक विशेष अभियान के तहत टीमों का गठन किया है जो घर घर जाकर लोगों के बिजली के बिल चेक कर रही है। जिनका बिल नहीं भरा उनके तुरंत मीटर उखाड़े जा रहे हैं और उसके बाद दोबारा से सिक्योरिटी भरने पर मीटर लगाया जाएगा। रोज एक टीम लगा रखी है हमने, रोज चोरी भी पकड़वा रहे हैं। हाँ, तो तीन चार डेली के हम चोरी केस मिला देते हैं। आज भी चार लोगों को किया हमने। कितना जुर्माना किया? मीटर उतर चुके थे वो कर रहे थे, तो उनकी भी आज हमने अलर्ट कर दी है, उनके जुर्माना करेंगे। आइडिया कितना का जुर्माना होगा उनको? लगभग 1,00,000 के आसपास हो जाएगा उनका। एसडीओ ने कहा कि कई बार लोगों को बिजली बिलों को लेकर सूचित किया गया है, मगर लोग बिजली के बिल बकाया नहीं भर रहे थे, जिसको लेकर विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग के इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। मतलब साफ है कि बिजली के पुराने बिल भरो, नहीं तो झेलने के लिए तैयार रहो। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। किन किन की बत्ती गुल होगी उनको पता चल जाएगा जिन्होंने अभी तक बिल को कहीं किसी दराज में रख दिया है और बिल की पेमेंट नहीं की है। आपके घर का मीटर उतारा जा सकता है। विभाग बहुत सख्त मोड में आ गया है, अब वो और ज्यादा आपके लिए लचीला नहीं रहेगा। या अगर आपको लग रहा है उदासीन विभाग है, नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके घर की रोशनी कभी भी गुल हो सकती है, बत्ती गुल हो सकती है। अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं। अशोक, कितने घरों के मीटर उतार दिए गए? 10 करोड़ से ज्यादा का बकाया एक बहुत बड़ा अमाउंट है। देखिए, ये चौंकाने वाला मामला है। रतिया में 7,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजली के बिल नहीं भरे, बकाया बिल है, जिसको लेकर बिजली विभाग अगर एक्शन मोड में आ गया और उन्हें कमर कस ली है कि किसी ना किसी तरह जो बकाया है वो भरवाया जाए। एसडीओ आनंद प्रकाश ने एक दर्जन से भी ज्यादा टीमें गठित की हैं जो घर घर जा रही हैं और चेक कर रही हैं। जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा उनके कनेक्शन काटकर मीटर भी उखाड़े जा रहे हैं। आज जो टीमें हैं उन्होंने 50 के करीब मीटर उखाड़े हैं, पहले भी उखाड़े जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिनके कनेक्शन कटे हैं, उन्होंने जिनमें बिजली चोरी की थी, उनके ऊपर भी सरकार जो विभाग है वो उसने शिकंजा कसा है। लाखों रुपए जुर्माना उनको भी ठोक दिया विभाग ने। जी,
अशोक ग्रोवर, हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। जब विभाग की ये टीमें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इन 7,500 से भी ज्यादा लोगों से बिजली बिल का हिसाब किताब लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं, और जिन्होंने भी बिल के पेमेंट नहीं किए, भुगतान नहीं किया, उनका मीटर उतार रही है, उनका बत्ती गुल कर रही है, तो इसका रिएक्शन आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि अब बिजली दफ्तर के बाहर लोग पहुंच रहे हैं कि हमारा बिल पेमेंट नहीं हुआ है, आप भुगतान ले लीजिए? आप विजुअल में साफ देख सकते हैं कि बिजली विभाग के कार्यालय में 2 दिन से लंबी लाइनें हैं जो बिजली बिल भर रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो विभाग के आगे मिन्नतें कर रहे हैं कि आधी पेमेंट करवा लो हमसे, पर हमारी बत्ती ना बुझाओ। मगर विभाग ने ठान लिया है कि जो बिजली के बिल नहीं भरेंगे उनका मीटर हर हाल में उखाड़ा जाएगा, जिसको लेकर जो बिजली उपभोक्ता है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी, यानी और ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने भुगतान नहीं किया है उनके घरों का मीटर उतारा जाएगा, बिजली काट दी जाएगी, और उसके बाद से दोबारा से बिजली की आपूर्ति बहाली के लिए जो नियम है उसे फॉलो करना होगा। बहुत शुक्रिया अशोक, नजर बनाए रखिए अपडेट के लिए लौटेंगे फिलहाल, बहुत धन्यवाद आपका।